गुड मॉर्निंग क्लास। हम सेपरेशन टेक्निक पढ़ रहे थे। सेपरेशन टेक्निक मतलब पृथक्करण विधियां, मतलब हमने मिक्सचर लिए थे, उनको हमने उनके अलग अलग जिनसे वो बने हुए हैं उनसे सेपरेट करना था। जैसे हमने रेत और लोहे की कील चुंबक से अलग कर दी थी, पानी में रेत था वो हमने छानन विधि से सेपरेट कर दिया था, फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर दिया था। अगर पानी में नमक है या पानी में चीनी है तो हम पानी को उड़ा देते हैं तो चीनी पानी अलग हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, हिंदी में उसे अपकेंद्रण विधि बोलते हैं। बेटा इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। अप मतलब दूसरा, केंद्र या दूर, केंद्र मतलब सेंटर। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंटर से दूर फेंक रही है। तो आपने कभी अपने हाथ में की चेन होगा ऐसे घुमाया होगा और अगर गलती से वो यहाँ से निकल जाए तो बहुत दूर जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे घुमा रहे थे उसे, ऐसे घुमा रहे थे और एकदम से छूट गया तो वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज को यूज करके टेक्निक बनाई है। पहले तो ये सबसे पहले ये समझना है कि किन मिक्सचर्स के लिए यूज की गई है। जो पृथक्करण विधियां आपने छानन विधि बताई थी जिसमें पार्टिकल्स को हमने फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर दिया था। अब अगर किसी का साइज बहुत छोटा होगा, उन्हें हम फिल्टर टेक्निक से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज्यादा छोटे पार्टिकल्स के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जिन मिश्रण में, जिन विलयन में ज्यादा महीन कण होते हैं उनके लिए अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। पहली बात करते क्या है उसमें, कभी आपने वॉशिंग मशीन चलती देखी होगी, तो वॉशिंग मशीन कैसी चलती है देखना। ये होता है, मान लो उसका जो जिसमें कपड़े डाल रखे हो, एक बार बहुत जोर जोर से घूमती है ना, और सारे कपड़े जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉशिंग मशीन बनाऊं, यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन का सेंटर है, ये उसका सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारे कपड़े ना यहाँ पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो गोल घूम रहे हैं तो उनको बाहर की साइड यहाँ फटक का जा रहा है, यहाँ पे फेंका जा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन बोल रहे हैं इस टेक्निक को। उससे होता क्या है, जो भारी पार्टिकल होते हैं किसी भी चीज, अगर उन्हें वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रही, जिसने जिन जिन यहाँ पर ये इस्तेमाल होती है वहां पर जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, भारी पार्टिकल होते हैं, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, तो पता ही है आपको, है ना। तो ये जब कई देर तक ये काम किया जाता है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है तो सारे जो डेंस पार्टिकल है वो नीचे मिलेंगे, लाइट पार्टिकल ऊपर मिलेंगे, तो ऊपर वाला पोर्शन अलग, नीचे वाला पोर्शन अलग, कंपोनेंट हो गए अलग। तो ये जो विधि है इसको अपकेंद्रण विधि बोलते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल होती है? बहुत जगह आपने देखा होगा लैब्स में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब एक गोल से जगह पे रखी रहती है, मशीन होती है वो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, और उसके अंदर छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं और उनको फिर ना घुमा देते हैं, उनमें कुछ डाल के सोल्यूशन वगैरह घुमा देते हैं। तो वो किस लिए होता है बेटा? वो यूरिन और ब्लड सैंपल्स होते हैं टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज, जैसे आपके ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, यूरिन में क्या क्या चीजें हैं, तो सैंपल टेस्ट करने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से डेयरी में आपने देखा होगा जो दूध में से मलाई सेपरेशन करने टेक्निक होती है, वो भी इसी तरीके से होती है। आपने घर में भी देखा होगा, घर में मम्मी हमेशा आपकी दही से मक्खन और लस्सी बनाती है ना, वो कैसे बनाते हैं? उसको गोल गोल घुमाते हैं, रई की मदद से घुमा लेते हैं या हाथ से, रई जो होती है हाथ रई उससे घुमा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लग रही है, फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से जो घी होता है वो हल्का हो गया, वो ऊपर आ जाता है और बाद में वो लस्सी बन जाती है दही की। तो ये दही में से या तो आप मक्खन निकालो या आप दूध में से मलाई निकालते हैं, वो सब वो डेयरी प्रोडक्ट है। जैसे आपने पैकेट के ऊपर देखा भी होगा, ये सिंगल टोन्ड है, ये डबल टोन्ड है। सिंगल टोन्ड का मतलब है एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन करके मलाई निकाली गई है, डबल टोन का मतलब है दो बार करके निकाली गई है, तो उसके अंदर मलाई कम होती है, फैट कम होता है। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है ये यहाँ पर बताया है। उसके बाद हम अगली टेक्निक पे आते हैं, सेपरेटिंग फनल की मदद से जो हम करते हैं। सेपरेटिंग फनल को हिंदी में पृथक्करण कीट कहते हैं। सबसे पहले तो ये इस्तेमाल कब होती है? ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होती है, पहली बात। सिर्फ किनके लिए? द्रवियों के लिए इस्तेमाल होती है। वो द्रव जो आपस में कभी नहीं घुलते, इसका मतलब अघुलनशील द्रव, इनसॉल्युबल लिक्विड्स, या हम हिंदी इंग्लिश में इसको इमिसिबल भी बोलते हैं,
इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होती है, अघुलनशील द्रवों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो फनल है, ये तो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऊपर से इसे ढक्कन होता है, यहां से हम वो जो मिक्सचर है वो यहाँ पे पोर कर देते हैं। यहाँ पर एक नॉब है, इस नॉब से एक तरीके से समझ लो जैसे एक तरीके से आपका ये टैप का टैप ओपन करने का है कि यहां से ओपन हो सकती है ये नोजल टाइप। तो अब क्या होता है, अभी इसको बंद रखते हैं, मिक्सचर इसमें पोर करते हैं। देखो एक है इसमें लिक्विड, मान लो हमने दो लिक्विड ऐसे लिए जो आपस में नहीं खुलते, तो हम मान लो ले लेते हैं एक ऑयल और एक वाटर। पानी और तेल कभी खुलते नहीं है ना आपस में, तो ऑयल जो लिया है वो ऊपर चला जाएगा, वाटर जो है वो नीचे हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब वो आराम से सेटल हो जाएंगे, फिर हम ये वाली जो नॉब है ये हटा देंगे, या आप ये कह लो कि इसको हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर हमारे पास नीचे हमने किसी चीज में इकट्ठा कर लेंगे किसी वेसल में, और एक जब बस यहां तक जब तक वो वाटर आएगा तब तक उसको सेपरेट करेंगे, ये अलग हो गया, इसको बंद कर देंगे। और फिर जब दोबारा लेंगे तो वाटर और ऑयल जब मिक्स होके आएंगे यहाँ इस लेयर में, जब नीचे आ रहा है तो मिक्स होके आएंगे, उसको हम फेंक देंगे, और दोबारा से जब ऑयल आना शुरू हो जाएगा तब दोबारा से वैसल लेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास दो वैसल आ गए, एक में ऑयल आ गया, एक में वाटर हो गया, और जो बेकार था वो हमने थ्रो कर दिया, तो हमने दोनों को अलग कर दिया, पानी और तेल को। तो ये होती है सेपरेटिंग फनल। कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो द्रव आपस में घुले हुए नहीं होते हैं। अब हम अगली टेक्निक की बात करते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या होता है ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से डायरेक्ट किसी चीज का गैस में बदलना, या गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में बिना आए सीधा ठोस अवस्था का गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो जो ऊर्ध्वपातन कर दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है ना। जो सब्लिमेशन दिखाएंगे उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया भी था नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये जो है दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इसका किसी नॉन सब्लिमेट के साथ मिक्सचर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने नमक को और NH4Cl को मिला दिया। अब ये भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी सफेद रंग का व्हाइट कलर का होता है, ये भी पाउडर जैसा थोड़ा सा पता ही आपको नमक ऐसा होता है, और ये भी ऐसा मिल जाता है सॉलिड अवस्था में। तो दोनों को मिला दिया अच्छी तरीके से, और फिर आपको बोला गया कि अब इन दोनों को अलग अलग करो, तो आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, सब्लिमेशन। क्योंकि NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्लिमेशन दिखाता है। जब इसको गर्म किया जाएगा तो सॉलिड से सीधा किस में जाएगा, गैस में, जबकि NaCl सब्लिमेशन नहीं दिखाता है। तो अब करते कैसे हैं इसको, यहां पे एक चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, दोनों मिक्सचर को इसमें डाल दिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बर्नर की सहायता से हीट करना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर एक कीप रख रखी है बेटा फनल, और उसको बंद कर रखा है कि कहीं से कुछ निकल ना जाए। तो देखो यहां से चाइना डिश है, ये यहां से कवर हो गया, ऊपर से यहां पे कॉटन प्लग लगा दिया, तो इसका मतलब कुछ उड़ेगा तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं पर रहेगा। अब होगा कौन, NaCl तो उड़ने से रहा, क्योंकि NaCl तो पहले अगर होगा भी तो मेल्टिंग प्वाइंट पे आएगा पहले, फिर जाएगा बॉइलिंग प्वाइंट पे, और NaCl का मेल्टिंग प्वाइंट बहुत 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 हाई होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको कुछ नहीं होने वाला, बचा कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेशन। तो वो सॉलिड से सीधा किधर जाएगा, गैसेस में, तो यहां पर जाएगा और इन दीवारों से टकराएगा, तो ठंडा होकर वापिस यहां पर जमना शुरू हो जाएगा, इस फनल के ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कई देर तक ये प्रोसेस करेंगे तो यहां पर जो इकट्ठा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और नीचे सफेद रंग का रह जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो हमने दोनों का मिक्सचर जो था उसको सेपरेट कर लिया, किस विधि से, सब्लिमेशन से। इसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें से एक सब्लिमेशन दिखाए दूसरा सब्लिमेशन ना दिखाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।